बिहार की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद यादव नहीं रहे। गुरुवार की देर रात गुरुग्राम स्थित एक निजी अस्पताल में श्री यादव ने अंतिम सांस ली। वे 75 वर्ष के थे। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने उनके निधन की सूचना ट्वीट करके दी। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निवास स्थान पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा समेत देश भर की बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। श्री यादव लोकसभा के 7 बार और राज्यसभा के 3 बार सांसद रहे हैं। श्री यादव अकेले व्यक्ति हैं जो 3 राज्यों से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। देखिए, शरद यादव जी के निधन की खबर कल रात में मुझको मिली, तब से मन काफ़ी दुखी है, आहत है। यह तो प्रकृति का नियम है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन अभी बहुत दिन तक रहना था उनको। अभी उम्र भी ऐसी नहीं थी कि हमारे बीच से अभी चले जाते, लेकिन खैर चले गए। तो सभी लोग दुखी हैं, आहत हैं, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।